Yes guys, very good morning all. I hope it is perfectly fine. It's another day, it's another vlog, and guys, I'm welcoming to all of you on a YouTube channel. It's Travel with Chiku. और guys, ये अपनी मुंबई टू कर्नाटक सीरीज बोल सकते हो. सो इसमें अपन ने कर्नाटक के साथ अपन तेलंगाना एक्सप्लोर किए, और तेलंगाना जैसे कि अपने एपिसोड 2 में देखा होगा, अपन तेलंगाना के थ्रू अपन गए थे टूवर्ड्स आंध्र प्रदेश की ओर. तो ये बेसिकली जो एपिसोड 3 होगा, इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एपी में जो हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, तो उस ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करने वाला हूँ. और इसके पहले मैं एक चीज़ बोलने वाला हूँ कि दिस इज़ माय 8th ज्योतिर्लिंग जो मैंने मेरे लाइफ में अचीव किया हुआ है ऑन दिस ओकेशन ऑफ महाशिवरात्रि 2023. तो स्पेशल ओकेशन होगा अपने लिए, इस दिन पे अपन ये दिन में ज्योतिर्लिंग को एक्सप्लोर करने वाले. तो बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, मज़ा आने वाला है. सो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से द्वितीय स्थान पर है. यह आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है. इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है. यहाँ पर माता पार्वती का नाम मल्लिका और भगवान शिव का अर्जुन कहा जाता है. इस प्रकार सम्मानित रूप से वैष्णव मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यह निवास करते हैं. इस मंदिर को 15वीं शताब्दी में कृष्णदेव राय ने राजगोपाराम का निर्माण करवाया था. इसके साथ ही उन्होंने एक सुंदर मंडप का भी निर्माण कराया था जिसका शिखर सोने का बनाया हुआ है. मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर आदिशक्ति देवी ब्रह्मा रम्मा का मंदिर है. 52 शक्तिपीठों में से एक पवित्र धाम. जैसे मैं आपको बताया कि हम लोग ने बाहर ही रहने का प्रबंध किया था, क्योंकि यहाँ पे होटल्स कुछ भी अवेलेबल नहीं है. रूम्स सारे पैक्ड है, जो भी देवस्थान के रूम्स थे, होटल्स है, जैसे सारे बुक है, तो रूम कुछ भी अवेलेबल नहीं है. इसलिए हम लोगों ने गाड़ी में ही सामान रख दिया, बाहरी घाटी पे नहाए और कपड़ा चेंज करके हम लोग अभी दर्शन के लिए अंदर गए थे. बट एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इतना क्राउड है, मतलब ना ही यहाँ पे 1-2-3 लाख, यहाँ पे 10-15-18 लाख के करीबन लोगों की तादाद थी. चलने के लिए जगह नहीं, इतना क्राउड आया हुआ है. तो इसके लिए हम लोग फटाफट अंदर की तरफ चले गए दर्शन लेने के लिए. जो यहाँ पे दो ऑप्शन थे, 200 रुपीज़ का एक लाइन है और 500 रुपीज़ का एक लाइन था. उन्होंने 200 वाली लाइन में गए
और जो 200 क्यू था उसका पास लेके हम लोग अंदर गए दर्शन के लिए। 12 बजे से लेके 2 बजे तक का जो टाइम था उस बीच मंदिर बंद था, पूजन और जो उनका सारा प्रबंध होता है कपड़े चेंज और सारी चीज़ें करने के लिए, पूजा हवन इसके लिए, तो 2 घंटे का पीरियड था। उस 2 घंटे में हमने जाके लाइन लगाया और हमारा जो दर्शन था करीब करीब 4 बजे कुछ, हमारा दर्शन 4 या 4:30 बजे कुछ दर्शन, हमारे फर्स्ट क्लास दर्शन हो गए। तो हम लोग गाभारे में बैठे और पूरा एक व्यू जो अपने वीडियो में देखा ही होगा, पूरा एक व्यू लिया वहाँ से और सारी चीज़ें हो सके उतने में कवर करने की कोशिश हुई वहाँ पे, जैसे कि महाकाल मतलब ज्योतिर्लिंग तो है ही है, उसके अलावा वहाँ पे शक्तिपीठ का भी, शक्तिपीठ भी है जो शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है, तो वो भी वहाँ पे है, तो वो भी हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। और उसके बाद और एक मंदिर था, उसके साथ हम लोग वहाँ से एग्जिट होकर बाहर की तरफ निकल गए। तो इस तरह से हमारा दर्शन फर्स्ट क्लास हो गया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आने का मतलब जो हमारा प्लानिंग था, महाशिवरात्रि के दिन हमको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने थे, तो वो दर्शन बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से हो गए और बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे VIP लोग भी आए थे, सिक्योरिटी काफ़ी तादाद थी, बट फिर भी हम लोग फ़ोन लेके गए थे, फ़ोन अलाउड नहीं अंदर, बट हम लोग फ़ोन लेके गए थे अंदर, तो फ़ोन के थ्रू हमने कुछ छोटे गेम्स शूट किए जो अपने वीडियो के मेड में देखे होंगे। तो कर्नाटक सीरीज का एपिसोड 3 आपको पसंद आया होगा, तो यस गाइस अगर पसंद आया तो 2 लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने चैनल को फैमिली चिकू को आप सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस गाइस अभी अपन एपिसोड 4 में मिलेंगे, एपिसोड 4 में भी काफ़ी सारी चीज़ें यूनिक करेंगे। अभी के लिए पहले चेंज करके निकलते हैं क्योंकि अपने को निकलना है टूवर्ड्स कर्नाटक की तरफ, तो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये भी कवर करना है। तो यस मिलते हैं।